कल्टीवेट कर सकते हैं, सॉरी कल्टीवेट नहीं, हम बोलेंगे कि हम टेकिंग केयर कर सकते हैं। तो कैटल्स को किस तरह से हम टेकिंग केयर करते हैं ये हमने समझा था, मीन्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे डेयरी फार्मिंग के बारे में या फार्म मैनेजमेंट के बारे में। तो फार्म मैनेजमेंट हमने समझ लिया था। अब फार्म मैनेजमेंट जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें एक लास्ट पॉइंट हमारा और रह गया है और वो है डिजीज मैनेजमेंट। हमने इसके अंदर कुछ फैक्टर देखे थे फार्म मैनेजमेंट में, जैसे हमने क्या क्या देखा था फार्म मैनेजमेंट में। सबसे पहले हमने देखा कि भाई हम इनके कैटल्स के फीडिंग को कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव, हम कैसे कैटल्स को ग्रूम कर सकते हैं, हम कैटल्स के को शेल्टर को कैसे हम केयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। और फिर हमने देखा लास्ट स्टेप जो हमें समझना है। यस अंशु, अंशु यादव कुछ कहना चाहते हैं आप, कोई डाउट है? चलिए बात करते हैं आगे। तो लास्ट हमारा जो पोर्शन है फार्म मैनेजमेंट के अंदर वो है डिजीज मैनेजमेंट। तो अब हम लोग समझते हैं डिजीज मैनेजमेंट। तो अगर जो सर हेल्थ हेल्थ केयर था हेल्थ केयर का मतलब ही है डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में क्या बातें होनी चाहिए, किन बातों पे हमें ध्यान रखना है? हेल्थ केयर में जो वेटरनरी डॉक्टर है उसका रेगुलर विजिट होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ पैरासाइट हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा वायरस हैं जो कि हार्म पहुंचाते हैं, किसको? वायरस बैक्टीरिया, ये हार्म पहुंचाएंगे हमारे कैटल्स को। तो इनसे हमें क्या करना है, अपने कैटल्स को बचाना है, इनसे होने वाले डिजीज से उनको इम्प्रूव करना है। तो डिजीज से बचाने के लिए क्या करेंगे, हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएंगे कैटल्स को। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर हेल्थ केयर के अंदर करते हैं। तो हेल्थ केयर में आप लिखिए प्लीज नोट डाउन, फॉर दी फॉर द डिजीज मैनेजमेंट फॉर दी अरे अरे जी ये थोड़े बड़े लिख दो, दिख नहीं रहे। डिजीज मैनेजमेंट लिखिए और जो मैं पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखिए, फॉर दी डिजीज मैनेजमेंट फॉलोइंग मेजर्स फॉर दी डिजीज मैनेजमेंट फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन फॉर हेलो दी सर, थोड़े जी बड़े लिख दो सर, ये दिख नहीं रहे हैं। अभी लिखिए तो सही है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आगे से लिख दूंगा बड़ा भाई। क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ मुझे? सर सब कुछ समझ में आ रहा है सर। हाँ लिखिए आप लोग, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ उसको लिखिए। क्लास को थोड़ा सा आप लोग प्लीज मैनेज करके चलें, डिस्टरबेंस ना करें। यदि किसी स्पेलिंग में किसी को कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने सामने लिखा है डिजीज मैनेजमेंट, अगर आपको मैनेजमेंट की स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसे बता देता हूँ। ठीक है, बार बार इस तरह से आप पॉइंट आउट करेंगे ना तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो नहीं समझ में आ रहा है वो मार्क करें कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। और रही बात बड़े लिखने की, तो आई थिंक ये ठीक है, बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं और मैं आगे से कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इसको बड़ा लिखा जाए। चलिए लिखिए इसके बारे में, डिजीज मैनेजमेंट में, फॉर दी डिजीज मैनेजमेंट फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन। और वो क्या हो सकती हैं? नंबर वन लिखिए, फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन, जिसमें सबसे पहला लिखेंगे आप, फर्स्ट लिखिए रेगुलर, जी रिया बोलिए,
यदि कोई डाउट है तभी आप हैंड रेस करें, अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज इस तरह से आप ना करें। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, रेगुलर विजिट ऑफ वेटरनरी डॉक्टर। रेगुलर विजिट ऑफ वेटरनरी डॉक्टर। सेकंड लिखिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ कैटल्स। प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ कैटल्स टू प्रिवेंट। जी अंशु बोलिए। टू प्रिवेंट देम अगेंस्ट दी इन्फेक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ एनी इन्फेक्शन इज टू बी फाउंड इन कैटल्स देन प्रॉपर ट्रीटमेंट मस्ट बी टेकन। यदि किसी में कोई डिजीज देखी जाती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है और हाइजीन को मेंटेन रखना है। ये तो आप सीधा मैं डिक्टेट करता हूँ, लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट, टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ कैटल्स एंड हैंडलर्स। टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ हाइजीन की स्पेलिंग लिखिए। To maintain the hygiene of cattle and handlers. Handlers मतलब जो cattle को वहां पर manage करते हैं ना, जो लोग वहां रहते हैं उनकी देखरेख करते हैं उन्हें बोलते हैं handlers. तो दोनों को ही अपना hygiene maintain रखना है ताकि कोई disease ना फैले। एक और लिख लीजिए, next fifth point लिख लीजिए, maintain the habitat must be clean। जो उनके रहने की जगह है वो साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। तो ये होगा हेल्थ केयर। अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो कैटल्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, मीन्स उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर भी कोई डिजीज कोई कंडीशन नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं जो आप जी दोबारा बोलिए। फिफ्थ पॉइंट बोल रहे हैं, एक बार सुन लिया मैंने, आप थोड़ा शांत रहिए। फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि मेंटेन द habitat must be clean. Maintain the habitat must be clean. Habitat को साफ रखना है हमको। अब देखिए ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब ये सब पॉइंट तो हमने यहाँ पर देख लिए, ये सारा हमारा जो फार्म मैनेजमेंट है वो क्लियर हो गया, कैटल्स के बारे में क्लियर हो गया किस तरह से हम उनको
रख सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें मेंटेन करेंगे, क्लीन करेंगे। अब एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, प्लीज राइट डाउन, क्वेश्चन लिखिए। नेम एनी टू डिजीज, नेम एनी टू डिजीज ऑब्जर्व इन कैटल्स, नेम एनी टू डिजीज ऑब्जर्व इन कैटल्स बाय बाय नंबर वन वॉर्म, नंबर वन लिखिए वॉर्म, डब्ल्यू ओ आर एम वॉर्म, नंबर टू लिखिए बैक्टीरिया, नंबर थ्री लिखिए वायरस। क्वेश्चन समझ में आया? तीन आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, एक तो वॉर्म से, वॉर्म से होने वाली दो डिजीज के नाम लिखने हैं, बैक्टीरिया से होने वाली और वायरस से होने वाली, और ये तीनों डिजीज किसमें देखी जानी चाहिए? कैटल्स में। तो कैटल्स में देखी जाने वाली दो दो डिजीज के आपको एग्जांपल लिख लेने हैं और ये आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है? चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। हमने फर्स्ट पोर्शन जो है एनिमल हस्बेंड्री का, जिसे हम लोग बोलते हैं कैटल फार्मिंग, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड पोर्शन को पढ़ेंगे कैटल फार्मिंग के बाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोल्ट्री, पोल्ट्री मैनेजमेंट। पोल्ट्री में हम लोग बर्ड्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। तो इसको क्लीन कर देते हैं, रब कर देते हैं, और अब हम समझते हैं पोल्ट्री। तो कैटल्स के बाद सेकंड है सर, फोर्थ पॉइंट क्या था? किसका फोर्थ पॉइंट? लास्ट वाला, ये यार आपको फोर्थ पॉइंट तभी पूछना चाहिए था ना। फोर्थ पॉइंट ये था कि हमें क्या करना है, हमें हाइजीन मेंटेन करनी है, हैंडलर की भी और अपनी भी। जी अंशु बोलिए। अंशु कोई डाउट है तो बोलिए। अंशु यादव आप हैंड रेज करते हैं बार बार लेकिन बोलते कुछ नहीं है। चलिए तो हम बात करते हैं पोल्ट्री के बारे में। अब पोल्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो पोल्ट्री जो टर्म है इसको लिया गया है पोल्ट से, और पोल्ट का मतलब होता है चिकन। तो अगर जो पोल्ट्री की बात करेंगे तो पोल्ट्री में हमारे पास फाउल्स की ब्रीड आती हैं, इसमें हमारे पास आते हैं फाउल्स, और इनको हम किस लिए ग्रो कराते हैं? इनको हम ग्रो कराते हैं, अपने पास रखते हैं किस लिए? ताकि इनसे हमें क्या मिलता है, एग मिलेगा एंड मीट मिलेगा। एग और मीट की प्रोडक्शन के लिए हम इनको, इनकी टेकिंग केयर करेंगे। तो पोल्ट्री में आप लिखेंगे, हेडिंग दीजिएगा पोल्ट्री, और पोल्ट्री के अंदर लिखिएगा इन दिस पोल्ट्री में लिखिए। एक अगर ये किसी बच्चे का जो माइक जो है बार बार अनम्यूट हो रहा है, इसको आप म्यूट रखें। जब आपको कोई डाउट रहे तभी आप अपने माइक को अनम्यूट करें, ठीक है? वरना क्या होगा, मैं कुछ बोलूंगा, कुछ समझाऊंगा, कुछ लिखवाऊंगा, आप लोग उसको मिस कर देंगे और फिर क्लास जो है डिस्टर्ब होगी। और यदि कोई डाउट है तभी आप हैंड रेस करें। बार बार अंशु आप हैंड रेस कर रहे हैं लेकिन कोई डाउट नहीं पूछ रहे, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? अंशु सुन पा रहे हैं तो बोलिए बेटा। अंशु आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक, तो आई थिंक या तो आप बोल नहीं रहे हैं या फिर हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो। तो जो भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है? और इस लेक्चर का वीडियो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से अभी, लेकिन ध्यान से समझें, वीडियो अवेलेबल हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास छोड़ के चले जाएं आप। चलिए सुनिए, तो पोल्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये हम समझा चुके थे ना, इसके बारे में लिख लीजिए पहले पोल्ट्री के बारे में। इन दिस देयर इज टेकिंग केयर ऑफ
इन दिस देयर इज टेकिंग केयर ऑफ फाउल्स, टेकिंग केयर ऑफ फाउल्स फॉर एग एंड मीट प्रोडक्शन, एग एंड मीट प्रोडक्शन। एग एंड मीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट, दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, अब दो स्टूडेंट है मेरे सामने, एक है अंशु यादव, एक है विनय गोयल। आप लोगों ने हैंड रेस किया है तो आपका जो डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। एक और है यहाँ पे, लोकन कुमार दीपक, बेटा डाउट है तो बोलिए। और हाँ, फाउल्स क्या होता है? फाउल्स मतलब चिकन, हैन, मुर्गियां। दीपक बोलो, जो आपने ये बताया ना, हाँ वो पोल्ट सर, इसका आपने पर मीनिंग बताया था, वो क्या था? क्या थी सर? आपने पोल्ट्री को पोल्ट बताया था सर, पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री जो वर्ड है ना, जो टर्म है पोल्ट्री, ये वर्ड से लिया गया है, और पोल्ट का इंग्लिश मतलब होता है चिकन। ओके सर। और एनीवन, चलिए तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ये पॉइंट हमने लिख लिया कि इनका हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि एग और मीट प्रोटीन और फैट का रिच सोर्स होते हैं, इनमें प्रोटीन और फैट ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इसके अंदर आपके कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आपका हैन आ जाएगा। इसके अलावा आज के डेज में हम इसके अंदर पिजन वगैरह को भी इंट्रोड्यूस या इंक्लूड करते हैं, तो लेकिन हम हैन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने कैटल्स की ब्रीड देखी थी, उसी तरह हम हैंस की ब्रीड देखेंगे। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं, ब्रीड ऑफ हैंस। जिसने हैंड रेस किया है डाउट पूछ सकता है, ब्रीड ऑफ हैंस बोलिए। लोकन सर नहीं है मेरा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ब्रीड की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे कि हमने आपको कैटल्स में समझाया था कि ब्रीड का मतलब होता है वैरायटी, उसी तरह जो बर्ड्स की वैरायटी है उसको, या हैंस की जो वैरायटी है उसको हम बोलते हैं ब्रीड्स। तो हैंस की एक तो इंडियन वैरायटी होगी, इंडिजिनस, तो सबसे पहली वो हो जाएगी जो हमारी इंडिया की वैरायटी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहला, नंबर वन, इंडिजिनस ब्रीड। इंडिजिनस ब्रीड, तो अगर जो हम इंडिजिनस ब्रीड की बात करें, तो इंडिजिनस ब्रीड के बारे में हमने आपको क्या लिखवाया कि दीज आर द वैरायटी और ब्रीड विच ऑब्जर्व इन इंडिया। और इसमें कौन कौन सी आती हैं, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। जी अंशु यादव बोलिए। बेटा आपकी ना वॉइस क्लियर मेरे पास आ नहीं पा रही है, तो आप परेशान ना हो, आप समझिए, अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो आप वीडियो को आराम से देखें। जो भी आपके डाउट हो क्लास ओवर होने के बाद, आप अपने सारे डाउट मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बात, क्लास ओवर होने के बाद लगभग 30 मिनट्स के बाद आपको ये लेक्चर SDSS ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं।
तो इंडिजिनस ब्रीड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल हो जाएगा एसील, एसील हो गया, इसके अलावा एक हो गया, हाँ जी एक हो गया एग्जांपल एसील ASEEL और एक हो गया बुरसा BURSA, ये दोनों इंडिया की वैरायटी हैं। सेकेंड हम बात करते हैं इंडिजिनस वैरायटी के बाद एग्जॉटिक ब्रीड की, एग्जॉटिक ब्रीड या इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन ब्रीड, जो आउटसाइड इंडिया से बिलोंग करती है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, दीज आर द एग्जॉटिक ब्रीड में लिखेंगे, दीज आर द वैरायटी, these are the variety or breed which belongs to foreign. Sir, please. These are the variety or breed which belongs to foreign. These are the variety or breed which belongs to foreign. Foreign means outside India. और इसका example जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, it is white leghorn. White leghorn हो गया, और एक हो गया Rhode Island Red. RHODE, Rhode Island Red, ये भी एग्जॉटिक ब्रीड है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जॉटिक ब्रीड हैं जो आपको याद रखनी है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, दो दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर इसके बाद आता है थर्ड, थर्ड क्या है, क्रॉस ब्रीड। कल हमने डेफिनेशन भी लिखी थी क्रॉस ब्रीड की, क्या होता है क्रॉस ब्रीड, आप में से कोई एक बताएगा क्रॉस ब्रीड क्या होता है। कोई भी एक स्टूडेंट जो बताना चाहे, जिसको पता हो कि क्रॉस ब्रीड क्या है, एनीवन। अब देखो जब मैं बोलने वगैरह तो कोई नहीं बोल रहा, सब एकदम शांत पत्थर की मूर्ति बन गए हैं। सर जी, सर एक मेल की वैरायटी और एक फीमेल की वैरायटी लेके सर फिर उसमें फर्टिलाइजेशन करवा के वो वाला, हाँ उसमें क्या खास बात होती है, बिल्कुल सही, इसमें क्या खास बात होती है, दोनों की ब्रीड सर अलग अलग होती है, अलग अलग तो होंगी, हाँ दो अलग अलग, हाँ दोनों कैरेक्टर मिल जाते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तो बहुत सही है, बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, शाबाश। इसमें क्या बात है, क्रॉस ब्रीड की अगर हम बात करेंगे तो क्रॉस ब्रीड का मतलब होता है जब हम दो डिफरेंट वैरायटी को लेंगे, दो डिफरेंट ब्रीड को लेंगे, एक मेल एक फीमेल लिया, और दोनों के अंदर देखा हमने कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, डिजायरेबल मतलब वो कैरेक्टर जो हम चाहते हैं कि एक ब्रीड में आ जाएं, तो हमने उन दोनों को क्रॉस करा दिया, तो क्रॉस कराने से क्या हुआ, वो कैरेक्टर हमारे एक ब्रीड के अंदर आ जाएंगे और उनसे जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा जो दो को मिलाने से बना वो कहलाएगा क्रॉस ब्रीड, ठीक है। अब क्रॉस ब्रीड जब हम इसमें करेंगे बर्ड्स, जी जी बोलिए सर, जो आपने कल लेक्चर दिया उसकी वीडियो सर स्टेशन ऐप पे अवेलेबल है, उसकी वीडियो, एक मिनट अभी आपके आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, बाकी सबको क्लियर है, आप एक काम करिए, आप ना इसको लॉग आउट होके दोबारा से लॉग इन करें, आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है, इस वजह से आपको आवाज में या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। सर हम ऐसे कह रहे हैं कि जो कल आपने लेक्चर लिया था, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है मैंने सुन लिया, जो मैंने कल लेक्चर लिया था वो वीडियो SDS ऐप पे अवेलेबल है, यानी ये आप पूछना चाह रहे हैं, तो बेटा वो वीडियो अभी मैंने SDS ऐप पे अपलोड नहीं करा है, आज मैं उसको SDS ऐप पे अपलोड कर दूंगा, मैंने कल उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था, और अपलोड करने के बाद मैंने स्पार्क वाले ग्रुप में उसका लिंक भेज दिया था, तो यदि आप स्पार्क की क्लास से हैं तो आपके पास वो लिंक और पहुंच गया होगा ऑलरेडी, और रही बात SDS ऐप की, तो आज आपको वो SDS ऐप पर भी
अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्रॉस ब्रीड के बारे में अभी समझ लिया, आप ही ने बताया कि भाई क्रॉस ब्रीड का मतलब है जब हम दो अलग अलग वैरायटी को क्रॉस कराते हैं और उनसे जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो नई वैरायटी आएगी उसको बोला जाएगा क्रॉस ब्रीड, जिसमें दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे। तो जब हम बर्ड्स के लिए क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो बर्ड्स में क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, क्या खास कैरेक्टर उनके अंदर हो सकते हैं, तो क्रॉस ब्रीड के अंदर आप एक पॉइंट लिखेंगे, लिखिए इन बर्ड्स फॉलोइंग कैरेक्टर्स, इन बर्ड्स फॉलोइंग कैरेक्टर्स, फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी अचीव्ड, इन बर्ड्स फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी अचीव्ड बाय, कैन बी अचीव्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग, कैन बी अचीव्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग। पहला कैरेक्टर लिखें, नंबर वन, लार्ज एग साइज, पहला लिखिए लार्ज एग साइज। दूसरा लिखिए इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड मीट यील्ड, इंक्रीज मीट, फर्स्ट लिखिए लार्ज एग साइज, सेकंड लिखिए इंक्रीज मीट यील्ड, थर्ड लिखिए लेस डाइट रिक्वायरमेंट, थर्ड लिखें लेस डाइट रिक्वायरमेंट, लेस डाइट रिक्वायरमेंट, थर्ड लिखो बेटा लेस डाइट रिक्वायरमेंट। फोर्थ लिखिए इंक्रीज एग लेइंग कैपेसिटी, फोर्थ लिखिए इंक्रीज एग लेइंग कैपेसिटी, इंक्रीज एग लेइंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हम क्रॉस ब्रीड के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, या क्रॉस ब्रीड के अंदर जिन फीचर्स को हम लोग डेवलप करते हैं। बाकी आगे हम लोग देखेंगे कि क्रॉस ब्रीड के हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक अगर लेयर्स, दूसरे आएंगे ब्रॉयलर्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, या हम क्रॉस ब्रीड को या फिर हम पोल्ट्री को किस तरह से केयर कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीड हमने समझ लिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि हम पोल्ट्री को कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसमें जो डिजीज मैनेजमेंट है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तो टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे से करके रखिए, जो भी आपको डाउट है इसका। बायो क्लास है? कल नहीं है बेटा बायो क्लास, बायो क्लास होती है आपकी मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, मंडे को क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए आज क्लास ले ली मैंने, तो अब मंडे क्लास होगी आप लोगों की। आप लोगों के पास दोनों लेक्चर अवेलेबल होंगे, इन लेक्चर को आप दोबारा जाके देख सकते हैं, ऐप के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पर देख सकते हैं आप लोग। और जो भी डाउट रहे आपका वो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय जी। बाय सर। बाय बाय जी। नमस्ते। नमस्ते सर।